हम जानते हैं कि चाइना अक्सर पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और डीप रिलेशंस रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में सपोर्ट हो या इमरान खान का स्टैंड CPEC और चाइनीज टाइज को लेके, और इन्हीं टाइज को अच्छे से समझने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के 70 साल पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया CPEC प्रोजेक्ट का सीवियर क्रिटिक क्यों है और कैसे चाइना अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए पाकिस्तान की तरफ झुकता आया है, और इसके रिवर्स इंडिया के खिलाफ उसका रवैया हमेशा एक एडवर्सरी स्टेट का रहा है। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड की हो, CPEC की हो, या COVID-19 के खिलाफ लड़ाई की क्यों ना हो, पाकिस्तान के साथ चाइना का कोऑपरेशन बना रहा है। CPEC प्रोजेक्ट और इससे जुड़े मुद्दे इस बात का एविडेंस है कि दोनों देश अपनी ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर सीरियस हैं। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल May 21, 2021 को पूरे हुए। इस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग ने फोन पर चर्चा की और आगे अपने कोऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करने और स्ट्रेटजीज को डीप करने का रिश्योरेंस दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरान खान की CPEC से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर CPEC को लॉन्च किया गया है, आखिर वो है क्या। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। चाइनीज प्रीमियर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद इमरान खान ने एक हाई लेवल मीटिंग में कहा कि CPEC केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेकर आएगा। ये रिमार्क पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में मजबूती लेकर आया है। इसके जवाब में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लीजियान ने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिमार्क्स को सुना है और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन के लिए चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और अदर थर्ड पार्टीज ने डिस्कशन भी करा है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली CPEC चाइना के लिए तो मददगार है ही, पाकिस्तान को भी इससे कई फायदे होते हैं। पर पिछले 2 सालों में चाइना और पाकिस्तान ने CPEC से रिलेटेड कई एक्टिविटीज पर रोक भी लगाई हैं। 2020 में COVID-19 पैंडेमिक और चाइना में हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट को लेकर फॉरेन डेट पर स्लोली मूव करने के कारण पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट धीरे हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो इसका रिजल्ट ये निकला कि बीजिंग ने पाकिस्तान में $62 बिलियन के CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया है। इसके पहले इमरान खान ने 2018 में कुछ CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स को होल्ड किया था। हालांकि इस रोक का कारण चाइना के साथ खराब संबंध नहीं थे, बल्कि इमरान खान को लग रहा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में करप्शन था। 2 साल बाद 2020 में कुछ कैबिनेट मेंबर्स पाकिस्तान के पावर सेक्टर में बिग करप्शन स्कैंडल्स में भी सामने आए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार CPEC से रिलेटेड चाइनीज प्रोजेक्ट्स में 1/3 पाकिस्तानी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या हैं ये प्रोजेक्ट्स और इनका पाकिस्तान और चाइना पर क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान का ये दावा कि ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन में डेवलपमेंट लेके आएंगे किस हद तक सही है, और इंडिया इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्यों है। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI चाइना का साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, द गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और सी रूट से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है जो 2013 में शुरू हुआ था। इस इनिशिएटिव को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। हालांकि इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेकर सीवियरली क्रिटिकल रहा है। BRI का मोटिव यूरेशिया की कंट्रीज के साथ कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC की मदद से पाकिस्तान के लगभग हर हिस्से में कोल, हाइड्रो, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। करीब $60 बिलियन के CPEC प्रोजेक्ट से चाइना ईरान के चाबहार पोस्ट प्रोजेक्ट में भी अपने पैर जमाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के टाइज हमेशा से मजबूत रहे हैं। भले ही बांग्लादेश का सेपरेशन हो या इंडो पाक वॉर्स, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चाइना और पाकिस्तान ने CPEC समझौता किया। इस प्रोजेक्ट का गोल है पाकिस्तान में रोड, रेल, एयर और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना और चाइना के शिनजियांग प्रोविंस और बाकी एरियाज से डीप सी पाकिस्तानी पोर्ट्स को जोड़े। इन पोर्ट्स में मेनली ग्वादर और कराची पोस्ट शामिल हैं। CPEC की शुरुआत 20 अप्रैल 2015 को हुई, जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग और पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने 51 एग्रीमेंट साइन किए थे।
शिनजियांग की बॉर्डर मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से लगती हैं। इस प्रोविंस की टेरिटरी से एंशियंट सिल्क रोड भी गुजरता है। CPEC से चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को फीजिबल बना पाएगा। नेचुरल गैस जो फिलहाल स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का और साउथ चाइना सी से घूमकर पहुंचाई जाती है, वो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सीधे पाकिस्तान या अदर यूरोपियन एंड साउथ वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट की जा सकेंगी। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि CPEC को अक्सर World War II के बाद बनाए मार्शल प्लान से कंपेयर किया जाता है। हम मार्शल प्लान पर थोड़ा फोकस करते हैं। World War II एंड हो चुका था और कई यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिकल लॉसेस से लड़ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा था कि पोस्ट World War II पीरियड में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसलोकेशन जैसी प्रॉब्लम सामने आएंगी और वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसीज खत्म हो जाएंगी। उस वक्त वोटर्स को कम्युनिस्ट पार्टीज अपील भी कर रही थी। इसी वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने एक एड्रेस में जून 5, 1947 को USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल ने यूरोप सेल्फ हेल्प प्रोग्राम का आइडिया दिया, जो USA द्वारा फंडेड था। हालांकि वो प्लान पोस्ट वॉर सिनेरियो के लिए था, ताकि इकोनॉमीज अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और डेमोक्रेटिक सिचुएशन सर्वाइव कर सकें। दोस्तों, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर इंडिया का कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। इस प्रोटेस्ट को चाइना डिसरिगार्ड करता है और कहता है कि ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है और CPEC में उसका कश्मीर को लेकर प्रिंसिपल स्टैंड है, उससे कोई इफेक्ट नहीं किया है। द हिंदू में पब्लिश सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर पर चाइना और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया ने दोनों देशों से कहा था कि CPEC से जुड़ी सारी एक्टिविटीज POK में बंद कर दी जानी चाहिए। इंडिया का POK में स्टेटस क्यू को लेकर मतलब साफ है। इंडिया POK में CPEC से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के रेजोल्यूटरी अपोजिशन में है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।